अगर आप छात्र हैं और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास कर है। जरूर देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। ऐसे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि सफलता हासिल कैसे करें, यानी सफलता हासिल करने के क्या क्या तरीके होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असफल कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले खुद पर विश्वास ना रखें और अपना आत्मविश्वास एकदम जीरो लेवल पर रखें। क्योंकि देखिए गांधी जी बोल दिए ना कि जैसा सोचिएगा वैसा बनिएगा, और सोच बदलो देश बदलो। अरे भाई, आप अपने आप को मजबूत सोचिएगा तो आप मजबूत हो जाइएगा। आप ये सोचिएगा कि भैया फॉर्म भरे हैं पक्का निकाल देंगे तो शायद निकाल दीजिएगा, क्योंकि आपने सोच बड़ा मजबूत रखा हुआ है, अपने आप पे खुद पे विश्वास रखे हुए हैं। तो भाई देखिए, अगर आपको असफल बनना है ना तो सबसे बढ़िया मंत्र क्या होगा, ये काम बहुत कठिन काम है, ये एग्जाम यार नहीं निकलेगा, यार ये याद होता ही नहीं मुझसे, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत ये हूं, मैं बहुत ऊ हूं। और ऐसे आप अगर करते रहिएगा तो आप पक्का असफल बन जाइएगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि खुद पर विश्वास ना रखे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कह दिया है कि भैया सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन एक चीज खत्म मत कीजिएगा, वो है खुद पर विश्वास और आत्मविश्वास। अब भाई स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि खुद पर विश्वास रखिए, अगर नहीं रखे तो ले बिलैया हो जाएगा, आप असफल हो जाइएगा। तो बनना तो असफल है, इसीलिए आप खुद पर विश्वास ना रखें। दूसरा, किताबों का भंडार अपने पास रखें, यानी किताबों का अंबार अपने पास रखें। देखिए किताब जो होता है ना, जो अच्छा किताब होता है वो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, ठीक। लेकिन एक किताब के साथ साथ आप किताब का पूरा अंबार लगा लीजिए, भंडार लगा लीजिए, तब होता क्या है कि अभी ई किताब पढ़े कि ऊ किताब पढ़े कि ऊ किताब पढ़े, तो आप सोच सोच के आराम से समय बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारा किताब रखिए जिससे आपका समय बर्बाद ज्यादा हो। और एक किताब तो दोस्त है आपका, लेकिन एक किताब रहता है तब ना, अब बहुत सारा किताब होगा समय बर्बाद होगा। जैसे आप देखते होंगे कि आपके दोस्त एक या दो हैं तो बहुत अच्छा होता है, अच्छे दोस्त है एक या दो, लेकिन भाई दोस्तों का पूरा भंडार है आपके पास, बहुत सारे दोस्त हो, तो वो कभी उस दोस्त को समय दे दे, कभी उस दोस्त को समय देंगे, ऐसे सारे दोस्तों को समय देते रहिएगा तो आराम से समय बर्बाद होता है। तो भाई अगर आपको असफल बनना है ना तो किताबों का भंडार रखे, और आराम से आपका समय बर्बाद होगा और आराम से आप असफल हो जाइएगा। तीसरा, समय बर्बाद करने का तरीका सीखें। देखिए होता क्या है, जब बहुत जो सफल व्यक्ति होते हैं तो उन्होंने वो क्या करते हैं कि एक लक्ष्य टारगेट बना लेते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है एक साल के अंदर। अब उसी के पीछे भाग धोके पड़े रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं और टारगेट बस एक बनाए हुए हैं और उसी पे मेहनत करते हैं, तो भाई रुचि भी बना उनका रहता है, सफल हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आप जैसे कि कैसे समय बर्बाद हो, तो खासकर एक अच्छा है मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल में व्हाट्सअप फेसबुक पोस्ट डालिए, किसी का वीडियो डालिए, ये डालिए वो डालिए, जिससे आपको लाइक मिले, मन का गुदगुदी हो, हंसी हो। और इसमें एक फायदा ये है कि आपका समय ना बहुत आराम से बर्बाद हो जाता है और आप आराम से असफल हो जाइएगा। चौथा कारण, 10 नाव पे सवार कीजिए। मान लीजिए एक नौका खराब हो जाए तो इसलिए 10 नाव पे सवार कीजिए। देखिए सिंपल फंडा है, एक कुछ लोग होते हैं क्या, जो सफल व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं कि एक ड्यूरेशन बना के चलते हैं कि मुझे एक काम, अगर अभी मुझे ये काम करना है तो मैं ये काम खत्म कर लूं, उसके बाद दूसरा काम करूंगा। अब इससे उनका आसान हो जाता है, क्या हो जाता है, उनका पूरा का पूरा ध्यान एक ही चीज पे फोकस रहता है और वो आराम से वो काम कर लेते हैं, अच्छी तरह से कर लेते हैं। लेकिन वो सफल बनना चाहते हैं, आपको असफल बनना है तो क्या कीजिए, जैसे मान लेते हैं किसी कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए तो कभी 2 महीना उसमें पढ़िए, फिर कभी दूसरे कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए 2 महीना उसमें पढ़िए, फिर बोला ना ना कंप्यूटर कर लेते हैं, कंप्यूटर में ये हो जाएगा, फिर टाइपिंग कर लेते हैं, फिर वो कर लेते हैं, फिर वो कर लेते हैं। देखिए आपका दिमाग चारों दिशा में जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि मान लेते हैं 10 काम कर रहे हैं और आपका दिमाग 100% काम कर रहा है, तो चारों तरफ 10-10% जाएगा तो आपको 10 भागों में विभाजित हो जाएगा।
एक पे फोकस कभी भी नहीं रहेगा। अगर एक पे होगा तो सफल हो जाइएगा, 10 पे रहेगा तो आप असफलता की ओर एकदम तीव्रगामी से आप सफर करेंगे। अगला कारण, बहाना ढूंढिए। देखिए जो सफल होते हैं ना, वो किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को सफलता प्राप्त करने के लिए वो मतलब कठिनाई से कठिनाई स्थिति में वो पढ़ लेते हैं या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान लक्ष्य पे ही होता है। लेकिन अगर हमें असफल अगर होना है तो बहाना ढूंढिए, आज नहीं पढ़ पाए, लाइट ही नहीं था, कल ये हो गया था, कल वो हो गया था, पापा जी पैसा दीजिए, ज्यादा पैसा दीजिएगा, हम पटना पढ़ लेते तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम दिल्ली पढ़ लेंगे तो ज्यादा ये हो जाएगा, आप ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। मतलब आजकल घूस ज्यादा चल रहा है, सीट ज्यादा बिक जा रहा है, तो पढ़ने से फायदा क्या है, आपने ये नहीं करा है, दूसरे पे बहाना मारिए। यानी जितना ज्यादा आप बहाना ढूंढिएगा ना, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, आप आराम से असफल हो जाइएगा। अगला है, पढ़ाई के नए नए तरीके खोजिए लेकिन कोनों पे काम ना कीजिए। देखिए होता क्या है कि लोग सोचते हैं ना, अरे यार यहाँ पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा, वहां पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप कभी ये यूट्यूब पे तो कभी इस पे तो कभी उस पे सब जगह जाते हैं, कभी पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो कभी ये डाउनलोड करते हैं, उससे नोट्स मंगवाते हैं, सब कुछ मंगा लीजिए, पीडीएफ मंगा लीजिए, ये मंगा लीजिए, कोनो चीज खोल के देखिए मत, समझे। यानी तरीका खोजिए लेकिन पढ़िए मत, पढ़िएगा तो निकल जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा, और खाली खोजते रहिएगा तो आराम से समय बर्बाद होगा। तो यही काम करते रहिएगा तो आप एकदम पक्का का पक्का असफल हो रहिएगा, और यही आप जब चाहते हैं तो आप हासिल कर सकते हैं, और यही तरीका है जो असफल हो सकते हैं आराम से। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको सफल होना है, यानी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी और दरोगा की, तो ये एक अनअकैडमी है जिसमें बहुत सारे टीचर लोग लगे रहते हैं सफलता कराने के लिए कि भाई आप पढ़िए और सफल हो जाइए। तो अगर आपको सफल होना हो, अगर आपको सफल होना हो तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए, रेफर कोड है मुकेश कुमार, मिलेगा 10% का डिस्काउंट, और आराम से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो तो आराम से पढ़ सकते हैं, और फिर आप एग्जाम निकाल सकते हैं। और एग्जाम जब निकाल लेते हैं तो थोड़ा यही है कि परिवार थोड़ा खुश हो जाता है, परिवार के आंखों में चमक आ जाता है कि हमारा बेटा एग्जाम निकाल लिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे।